सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। मैं किसी चीज पे ऐसे वो नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ फिल्म के वर्ल्ड पे करना है या ओटीटी में करना है या टीवी पे करना है। जो अच्छा मिल जाए फिलहाल ये अच्छा है, ये कर। जो उसके थॉट्स है मैं उससे इतना रिलेट नहीं करता, क्योंकि मैं शादी मैं प्यार को लेके इतना एक्सट्रीम नहीं है। मेरे व्यू पॉइंट शादी को लेके शायद हो सकते हैं बट प्यार को लेके नहीं है। वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक यू। नया शो आ रहा है और पहले ही शो में देवर भाभी का भी रोल निभा चुके हैं और अब इस नए शो में लव बर्ड्स बन रहे, क्या कुछ है एग्जैक्टली मतलब हाउ इज द फील? आई थिंक इट्स सररियल आल्सो बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग एक्टर्स कि आप एक दूसरे के साथ भी अलग अलग किरदार प्ले कर सकते हो। एंड वो बहुत अलग शो था यार, वहाँ पे अलग किरदार था, यहाँ पे अलग बहुत अलग किरदार है। फीलिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि मैं अपनी दोस्त के साथ ही काम कर रहा हूँ, एक कम्फर्ट लेवल है, बस वो ऑन स्क्रीन भी दिखना चाहिए। एंड या लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, बात करें रियल लाइफ में, रियल लाइफ में क्या क्षिति जैसी लड़की आप चाहते हो कि ऐसी ही लड़की आपकी रियल लाइफ में आए? There are parts of there are things I would want to take from all my friends and put in one girl. Shriti se kuch le liya aur kisi dost se kuch le liya, isse kuch le liya. Okay. Last shows jo bhi the rahe hain aur is show ko aapne kahin na kahin aap upgrade hue ho, ek naya show, ek naya genre mein aaye ho. Ye jo show hai ise kis tarike se aap dekhte hain? Kyunki love stories hi hai ye bhi कहीं ना कहीं, मगर ये लव स्टोरी एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स में आई है, तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस कितना इसे ग्रैप करेगी, कितना इसे समझेगी? यार आई होप ऑडियंस को ये पसंद आए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ये थोड़ी सी अलग है। आई नो हर इंसान कहता है कि हमारा शो बहुत अलग है बट ये जेन्युइनली दोनों के किरदार बहुत अच्छे हैं, दोनों के किरदार एक दूसरे से बहुत अलग है, पर्सनैलिटीज अलग है, दोनों के कल्चर बहुत अलग है, एक दिल्ली बॉय है, एक बॉम्बे गर्ल है। सो वो चीज़ है, दोनों कैसे मिलते हैं, दोनों में प्यार कैसे हो जाता है, इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी। सो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। ओके, रियलिटी शो करने के बाद अगेन टीवी शोज पर कितना मतलब चेंजेस लगता है, क्या कुछ वहाँ से क्या लगता है कि कुछ और करना था या टीवी? रियलिटी शो भी टीवी पे ही होता है यार, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से कहीं और आया हूँ। ऑब्वियसली रियलिटी शो इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, उसमें आपकी रियल पर्सनैलिटी होती है, आप अपना अपने नाम से जाने जाते हो एंड यहाँ आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, किरदार प्ले कर रहे हो। एंड मैंने ऐसे कुछ प्लान नहीं किया था कि मेरे को अभी क्या करना है, ये करना है, वो करना है। इफ दिस शो जस्ट फेल इन माय लैप, बस हो गया, ये आ गया किसी तरह। एंड टू डेज इनटू टॉकिंग अबाउट इट आई वाज शूटिंग, आई वाज ऑन फॉर इट। एंड मैं किसी चीज़ पे ऐसे वो नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ फिल्म के वर्ल्ड पे करना है या ओटीटी में करना है या टीवी पे करना है। जो अच्छा मिल जाए फिलहाल ये अच्छा है, ये कर। कहीं ना कहीं आप भी दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली से हैं, तो ये भी दिल्ली का लड़का है, कितना रिलेट करते हैं रियल एंड रियल में मतलब? दोनों सिमिलर, इसका सिमिलैरिटी यही है कि दोनों दिल्ली से हैं। बाकी जो इसके थॉट्स हैं मैं उससे इतना रिलेट नहीं करता, क्योंकि मैं शादी मैं प्यार को लेके इतना एक्सट्रीम नहीं है। मेरे व्यू पॉइंट शादी को लेके शायद हो सकते हैं बट प्यार को लेके नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि दोनों दिल्ली से हैं, दोनों अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड स्टाइलिश है। ओके, लास्टली अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे? मेरा नया शो आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गए, जी टीवी पे आज से 10 बजे। सो प्लीज शो को देखिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।